अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप दे रहे हैं हॉट लाइन टीवी। नाज़रीन, हम आज आपको बताते जाएं कि लाहौर शहर का एक मशहूर चौक चौक शाह आलम, वहां एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद शब्बर। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शब्बर क्यों रखा गया और इसकी तफसील हम साथ साथ हमारे DOP यक्कूब भट्टी साहब आपको दिखाएँगे, साथ साथ हम आपको मस्जिद दिखाते हैं और इसकी डिटेल भी बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद का वो फ्लोर जहां नमाज होती है, ये लास्ट फ्लोर है इस मस्जिद का, हम लोग वहां मौजूद हैं। और साथ साथ इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो कहानी ये कि उस कहानी को सुनने के बाद एक ईमान ताज़ा हो जाता है कि इसका नाम मस्जिद शब्बर क्यों रखा गया और इतने थोड़े वक्त में इस मस्जिद की तामीर क्यों की गई। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है पूरा जहाँ लोग नमाज अदा करें, और ये बिल्कुल सामने वुजू खाना है जो हमारा कैमरामैन आप लोगों को दिखा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ इमाम मस्जिद हैं, हम लोग आपको उन सभी तारफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। अब्दुल हक साहब, आप कितने अरसे से यहाँ इमाम मस्जिद हैं? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल। तो इससे पहले जब से ये मस्जिद बनी हुई है तो तकरीबन कितने के इमाम यहाँ तब्दील हो चुके हैं, कुछ आप हिस्ट्री बताएँ? तकरीबन ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये तकरीबन 3 नस्लों से ये हमारे ख़ानदान के पास ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम चला रहे हैं। और इसी मुख्तसर स्टोरी में आपको बता देता हूँ कि ये हुआ था कि 1917 में यहाँ से एक मुसलमान का गुजर हुआ तो उसने यहाँ पे नमाज अदा कर ली, तो हिंदू ये सारा जो इलाका था ये हिंदुओं की जो ना अक्सरियत थी, आबादी थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान ने यहाँ पर नमाज अदा क्यों की है, तो मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में तनाज़ा शुरू हो गया। मुसलमान ने कहा यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे, हिंदुओं ने कहा कि हमारी अक्सरियत है यहाँ पे तो हम इसको मंदिर बनाएंगे इस जगह पे। तो फिर लड़ाई होते होते बाद अदालत तक जा पहुँची, तो उस वक्त के जज ने फैसला दिया कि अगर जिस सुबह यहाँ पे हिंदू मौजूद हुए तो मंदिर बनेगा, मुसलमान मौजूद हुए तो मस्जिद बनेगी। तो मुसलमान ने रातों रात इसको तामीर करके, सुबह जब हिंदू यहाँ पर आए तो उनने क्या देखा कि अजान हो रही है, थोड़ी देर के बाद जज आया तो यहाँ पे नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो उस वक्त के जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। फिर अल्लामा इकबाल को जब इसके बारे में पता चला तो अल्लामा इकबाल ने इस मस्जिद के ऊपर फिर ये शेर भी कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। और ये जो मस्जिद को तामीर किया गया 1917 में, ये गामा पहलवान की क़यादत में ये सारी की सारी मस्जिद बनाई गई। और मस्जिद को 1932 को और 2007 को तो मेरे सामने इसको रिपेयर किया गया। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि माशाल्लाह ये जो मस्जिद तो बनी, तकरीबन हर दूसरे बंदे को पता है कि मस्जिद शब्बर, लेकिन आज इसकी डिटेल जो यहाँ के मौलाना साहब हैं उनकी ज़ुबानी हमने आप लोगों को सुनाई, ये किसी और की ज़ुबानी सुनाई कि जैसे लोग गलत हिस्ट्री निकाल लेते हैं, लेकिन हमने जो नाज़रीन आप लोगों को दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ के ये मौलाना यहाँ ये जमात करवाते हैं, और ये तकरीबन 1948 के बाद टोटल यही इस मस्जिद में इन्हीं के फैमिली वगैरह टोटल पीढ़ी टू पीढ़ी आ रही है, नस्ल आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे DOP यक्कूब भट्टी और अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।